नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए दो के मल्टीपल फंदे चाहिए। आप सम संख्या में कोई भी फंदे ले सकते हैं। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू हो रहा है, इसलिए रॉन्ग साइड में आप अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लें। मैंने सिलाई में 12 फंदे डाले हैं, आप सम संख्या में कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो रॉन्ग साइड है और फर्स्ट रो और रॉन्ग साइड। अब आप अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लें, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। इन्हीं चार फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा बुनते हुए पहली लाइन कंप्लीट कर ली गई है। और अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और फ्रंट साइड। प्राइमरी कलर वाले फंदे हम सीधा बुन लेंगे और फिर सेकेंडरी कलर वाला ऊन ऐसे लूप बनाएंगे और सिलाई के अंदर से दोनों हिस्से, देखिए सिलाई के अंदर है, और अब उस हिस्से से जैसे जो खींचने पे खींचता ना हो उस हिस्से से दोनों फंदे उल्टे बना लेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। फिर प्राइमरी कलर वाले दोनों फंदे सीधे, फिर सेकेंडरी कलर से एक लूप बनाएंगे और सिलाई के अंदर दोनों हिस्से सिलाई के अंदर होने चाहिए। और अब उस हिस्से से हम बुनना शुरू करेंगे जो खींचने पर ऐसे खींचता ना हो, तो उससे दोनों फंदे उल्टा बुनेंगे और उसके बाद धागे को खींच लेंगे। अगले दो फंदे प्राइमरी कलर से सीधे लूप बनाएंगे सिलाई के अंदर, इसके दोनों पार्ट्स होने चाहिए, फिर उस हिस्से से जो खींचता ना हो दोनों फंदे उल्टे बना लेंगे, उसके बाद इसको खींच देंगे। थर्ड रो और रॉन्ग साइड। अब सेकेंडरी कलर वाले दोनों फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे बुने जाएंगे और प्राइमरी कलर वाले दोनों फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे। सेकेंडरी कलर वाले दोनों फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे और प्राइमरी कलर वाले दोनों फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो और फ्रंट साइड। हमको यहाँ पे अपना दूसरा वाला लाइन ही दोहराना है, यानी सेकेंडरी कलर वाले बुने हुए फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। देखिए फ्रेंड, ये साइड में है तो इसको हम दोनों फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और वापस फोर्थ रो और फ्रंट साइड। सेकेंडरी कलर वाले दोनों फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर प्राइमरी कलर वाले, और इसको हम ऐसे पीछे ला देंगे। प्राइमरी कलर वाले दोनों फंदे सीधे लूप बनाएंगे, खींचने जो हिस्सा न खींचता उससे दोनों फंदे उल्टा बनाएंगे और फिर इसको हम धागे को खींच देंगे। फिर प्राइमरी कलर वाला फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। उनको अपनी ओर कीजिए, दोनों फंदों को उल्टा बुनिए, फिर इन दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ा लीजिए, उनको वापस पहले फंदे से बाहर निकाल दीजिए। सेकेंडरी कलर वाले प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे। एक बार फिर से देखिए, प्राइमरी कलर वाले फंदे दोनों फंदे सेकेंडरी कलर वाले उनसे उल्टे बना लेंगे और सेकेंडरी कलर वाले दोनों फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे। इस तरह दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा।
इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और सामने से प्राइमरी कलर वाले फंदे सीधे बना लिए जाएंगे, उन सेकेंडरी कलर वाला फंदा उन अपनी ओर करेंगे, दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और ऊन को दूसरी तरफ कर देंगे। फिर दो फंदे प्राइमरी कलर वाले सीधे, सेकेंडरी कलर वाला ऊन अपनी ओर करेंगे, दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और ऊन को दूसरी तरफ कर देंगे। प्राइमरी कलर वाला फंदा सीधा, फिर से देखिए, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और ऊन को दूसरी तरफ कर लेंगे। इन दोनों तरीके से बुनने से बुनावट एक जैसी ही आएगी, चाहे हम लूप बना के उल्टा बुने या खींचें, या फिर दोनों फंदों को उल्टा बुनते हुए वापस पहले फंदे से उन दूसरी तरफ कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, इसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, टोपी में, सॉक्स में, शूज़ में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।